हर नागरिक को अपने देश पर गर्व होना चाहिए क्योंकि एक देश ही अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं प्रदान करता है। आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की ही होती है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर आपकी सरकार तानाशाह हो जाए तो क्या होगा। तानाशाह यानी के डिक्टेटर। अगर आपके घूमने फिरने या फिर आपके इंटरनेट यूज करने पर रोक टोक लगाया जाए तो आपको कैसा लगेगा? शायद हमें ये सब सुन के ही गुस्सा आ जाएगा, पर क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश भी है जहां इस तरह के कई कानून लागू है, और वो देश है नॉर्थ कोरिया। ये देश तानाशाह देश माना जाता है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ नॉर्थ कोरिया के कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करने जा रहे हैं जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉर्थ कोरिया में नहीं है प्राइवेट टीवी चैनल। नॉर्थ कोरिया में केवल सरकार द्वारा चलाए गए चैनल ही चलते हैं। वहाँ पर जो कुछ सरकार दिखाना चाहती है लोग बस वही देखते हैं। थैंक गॉड ऐसा इंडिया में नहीं है, वरना हमारी सिमर ससुराल से कब से भाग गई होती और हर घर की टीवी की कहानी बड़ी बोरिंग सी हो जाती। बालों का स्टाइल। नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी से बाल नहीं कटवा सकते हैं। वहाँ की सरकार ने पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग हेयर स्टाइल चुने हैं। वहाँ के लोग केवल उसी को अपना सकते हैं। यही नहीं, शादीशुदा महिला और शादीशुदा पुरुषों के बड़े बाल रखने को भी अपराध माना जाता है, जबकि ये कानून वहाँ का राजा नहीं मानता है। यार हम तो जब भी हेयर कट करने जाते हैं हर बार अपनी एक नई हेयर स्टाइल सोचते हैं। सोचिए उनके पास तो ऑप्शन ही लिमिटेड होते हैं, तो वो क्या बाल काटेंगे और क्या हेयर स्टाइल देंगे। नॉर्थ कोरिया में जीन्स नहीं पहन सकते हैं। इंडिया में आजकल तो बुजुर्ग लोग भी जीन्स टॉप में फैशन करते हुए नजर आते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में जीन्स को अमेरिका की देन माना जाता है, इसलिए वहाँ पर कोई भी जीन्स नहीं पहनता है क्योंकि जीन्स वेस्टर्न कल्चर की देन है। नॉर्थ कोरिया में पॉर्न नहीं देख सकते। नॉर्थ कोरिया के लोगों को पॉर्न देखने पर जेल हो सकती है, यानी थरक की आग जेल है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी देश छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है। हम हर साल कोई ना कोई ट्रिप प्लान करते हैं, या तो इंडिया में या अगर बजट ज्यादा हुआ तो फॉरेन कंट्रीज में भी। पर क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया के लोग दूसरे देश में जाकर नहीं रह सकते हैं। ना तो उन्हें दूसरे देश का वीजा मिलता है और ना ही वहाँ की सरकार किसी भी नागरिक को वहाँ से बाहर जाने देती है। नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट चुनिंदा लोगों के लिए ही है। यहाँ पर व्हाट्सएप ऑन किए बगैर हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती है, पर नॉर्थ कोरिया में इंटरनेट का इस्तेमाल सरकार अपने निजी कामों के लिए करती है, या फिर कुछ लोगों को ही इंटरनेट इस्तेमाल करने की इजाज़त है। नॉर्थ कोरिया में एक अपराध की सजा पूरे परिवार को मिलती है। नॉर्थ कोरिया में अपराध की सजा केवल अपराधी को ही नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार को दी जाती है, फिर चाहे उसमें महिलाएं हो या बच्चे हो या फिर बूढ़े हो। ये बात बहुत हैरान करने वाली है कि ये सभी कानून वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन या उनके परिवार पर लागू नहीं होते हैं, और इसलिए नॉर्थ कोरिया की सरकार को तानाशाह सरकार कहा जाता है। अगर आपको भी नॉर्थ कोरिया के बारे में ऐसे ही कोई फैक्ट्स पता है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।